अगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीषम से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं संकल्प की शक्ति, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर सच्चा संकल्प लिया जाए तो हर कुछ संभव है, ब्रह्मचर्य तो आसानी से हो जाएगा। संकल्प उन विचारों का नाम है जिसमें पूर्ण विश्वास भरा हो, परमात्मा विश्वास में होता है। यह बात हमें कभी ना भूलना चाहिए। यदि सोते समय मनुष्य ऐसा सोचकर सोवे कि आज मैं 4 बजे उठूंगा, तो निश्चय जानो कि उस समय मनुष्य की आंख 4 बजे ही अवश्य खुल जाती है। आलस्यवश यदि वह फिर सो जाए तो दूसरी बात है। सामान्य विचारों में यदि यह शक्ति है तो श्रद्धा या दृश्य भावपूर्ण विचारों में कितनी प्रचंड शक्ति होती होगी, इसका आप ही अनुमान कर सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक मनुष्य गर्मी के दिनों में घाम से अत्यंत व्याकुल हो गया था। दूरी पर उसे एक पेड़ दिखाई दिया। जैसे वह भागता हुआ वहां पहुंचा, पेड़ की शीतल छाया से उसे बहुत ही सुख मिला। वहां था कल्पवृक्ष। मनुष्य ने सोचा, यहां पीने के लिए ठंडा जल होता तो क्या ही आनंद होता। ऐसा सोचते ही उसके बगल में सुंदर शीतल झरना निर्मित हुआ। उस पर दृष्टि जाते ही बोल उठा, अरे वाह, यहाँ तो झरना भी मौजूद है। थोड़ा पानी पीकर, आहा क्या ही ठंडा और मीठा जल है। यदि इस समय पास में कुछ मेवा हो तो क्या ही आनंद हो। यह सोचते ही वहाँ पर तत्काल में मेवा से भरा हुआ एक सुंदर पात्र निर्माण हुआ। उसे देखते ही उसने सोचा, ए यहाँ क्या चमत्कार है, मालूम होता है यहाँ पर कुछ शैतान का खेल है। ऐसा सोचते ही उसे वहाँ पर इधर उधर चारों ओर नाचते कूदने की डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने सोचा, सचमुच यहाँ पर शमशान ही मालूम होता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शैतान सामने आकर खड़ा हो जाए। ऐसी शंका करते ही एक महान विकराल भूत उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उनकी ओर गुरारते हुए देखने लगा। मनुष्य ने डर के मारे आँख मूंद ली और मन में कहने लगा, अरे बाप, यह मुझे खा तो नहीं जाएगा। जो ही उसने ऐसा सोचा तो ही उस पिशाच ने उसको मुंह में डालकर तत्काल खा लिया। ठीक यही दशा अच्छे या बुरे विचार करने वालों की भी हुआ करती है। कल्पवृक्ष कहाँ है यह तो हम नहीं जान सकते, परंतु ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ परमात्मा ना हो। वह घट घट में और अणु परमाणु में भरा हुआ है और ईश्वर से बढ़कर दाता कल्पवृक्ष दूसरा कोई भी नहीं हो सकता, और आप हम सब उसी छाया में बैठे हुए हैं। तब ऐसे सर्वत्र व्यापमान कल्पवृक्ष के सामने मनुष्य की संपूर्ण भली बुरी कामनाएं सिद्ध होंगी, इसमें संदेह ही क्या है। अच्छे विचारों से उसे अवश्य ही मेवा मिलेगा और बुरे विचारों से वह पिशाचों द्वारा अवश्य ही खाया जाएगा। सारांश, मनुष्य अपने विचारों से नष्ट और श्रेष्ठ बनता है, इसमें कोई भी शक नहीं। चाहे कितने ही गुप्त रूप से हृदय के भीतर हम कोई कल्पना, फिर कर्म तो दूर रहा, करते हो तो भी उसे परमात्मा देखता है और उसके भले बुरे फल हमें तो बराबर देता है। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बद मोक्षयो, भगवान का यह अटल सिद्धांत है। मन ही मनुष्य को गुलाम बनाता है, मन ही मनुष्य को स्वर्ग या नरक में बिठा देता है। स्वर्ग व नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे ही साथ में दे रखी है, उसे सीधी या टेढ़ी घुमाना हमारे हाथ में है। मनुष्य को सुगति व दुर्गति उसके भले बुरे संकल्पों विचारों पर ही सर्वथा निर्भर है। पापमय विचारों से वह पापात्मा और पुण्यमय विचारों से वह निसंदेह पुण्यात्मा बन जाता है। उच्च पवित्र विचारों से कितना ही पतित मनुष्य क्यों ना हो, वह भी ऊंचा पवित्र आत्मा बन सकता है, परंतु भगवान कहते हैं उनकी बुद्धि का निश्चय पूरा होना चाहिए, अर्थात ऐसा पुरुष फिर पाप कर्म नहीं कर सकता। विश्वासो फलदायक, यह भगवान का वचन है। जितना विश्वास अधिक होगा उतना उसका फल भी अधिक होगा। महापुरुषों का विश्वास इतना प्रबल और अनन्य होता था कि वे पानी को भी घी और बालू को चीनी तक बना सकते थे। ऐसा ही अनन्य विश्वास हमारा भी होना चाहिए। संशयात्मा विनशयति, संशय पुरुष का नाश होता है। अतः निसंदेह भाव से संकल्प करने पर हमारा अवश्य ही उद्धार होगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। सच पूछिए तो कुकल्पना ही शैतान है। अतः जिसको तारना हो उसे चाहिए कि हठपूर्वक कुबुद्धि को, कुविचारों को त्याग कर सुबुद्धि को धारण करे और आज ही से इसी समय से पवित्र विचार को शुरू कर दे। निसंदेह अपरिमित कल्याण होगा। अतः निंद्रा के पूर्व रोज 5 घंटा अवश्य ही पवित्र संकल्प किया करो। इससे सब कुसपनों का नाश होकर तुम में एक अद्भुत देवी शक्ति प्रकट होगी
और तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होंगे। पुरुषः प्रयत्नशीलस्य असाध्यम् नास्ति, मनुष्य के उचित प्रयत्न करने पर असाध्य कुछ भी नहीं है। आज बीज बोया और कल फल चाहा, ऐसे अधीर मनुष्य को कदापि यश नहीं मिलता। जो जल्दी फल की आशा करते हैं, यदि जल्दी फल ना मिले तो मन में समझो कि पहले के पाप संकल्प अधिक हैं, परंतु वे पुण्य संकल्प द्वारा निश्चय ही परास्त होंगे। जब तक हृदय के अपवित्र भाव हट ना जाए, तब हठपूर्वक प्रबल वेग से पुनः पुनः चेष्टा करो। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी यह चेष्टा कभी निष्फल नहीं होगी, तुम्हारा अवश्य ही उद्धार होगा। नहि कल्याणकार तकचित दुर्गति तात तात गच्छति, ध्वनि वैसे प्रतिध्वनि। यह भी प्रकृति का एक अटल सिद्धांत है। यदि हम कुएं में झांक कर कहें कि नाश हो तेरा, उधर से भी नाश हो तेरा, ऐसी ही जवाब मिलेगा। अतः जिस प्रकार हम भगवान की स्तुति प्रार्थना में संकल्प करेंगे, ठीक वैसे ही भगवान हमें भी कहेंगे। यदि हम कहेंगे कि भगवान आप वीर्यवान हो, भाग्यवान हो, तो भगवान भी उठकर हमें यही कहेंगे कि आप वीर्यवान हो, भाग्यवान हो, इत्यादि इत्यादि। इस पर भी हमारे धर्मशास्त्रों में ईश्वर के श्रोत्र और मंत्र नित्य पाठ के लिए रखे गए हैं। उनमें हमारे उद्धार का कितना उच्च हेतु भरा हुआ है, यह पूर्णतः सिद्ध होता है। अतः जिस प्रकार हम अपने को बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार से स्तुति प्रार्थना निशंक भाव से रोज किया करें, बहुत ही उपकार होगा। इसी प्रकार हमारे कायिक वाचिक मानसिक शुभाशुभ कर्मों के फल भी हमें अवश्य ही मिलते हैं। मामूली बीज तो कोई उगता भी नहीं, परंतु कर्म बीज एक भी उगे बिना नहीं रहता, सभी फल रूप होते हैं। अतः प्रातःकाल उठते ही प्रथम अत्यंत प्रेम से एक दो चार बढ़िया स्तोत्र व भजन रोज कहो। जैसे भीष्म पिता महा ने सच्चे हृदय और मन से संकल्प लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा या मरते दम तक ब्रह्मचारी ही रहूंगा। जैसे गुरु समर्थ रामदास जी जो शिवाजी महाराज के गुरु थे, यह जब की बात है जब भारत में औरंगजेब का शासन बढ़ रहा था, वो बड़ा ही क्रूर अत्याचारी और धर्म का परिवर्तन करवाता था। तभी गुरु समर्थ दास जी ने संकल्प लिया था और शिवाजी महाराज को कहा था, औरंगजेब का शासन और बढ़ने मत देना। और आप सभी ने देखा, कुछ ही वर्षों में औरंगजेब का शासन टूटने लगा और एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो गया। ऐसे ही एक सन्यासी हुए स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका संकल्प था भारत में फिर से वैदिक शिक्षाएं, और उन्होंने यह संकल्प अपना मरते दम तक किया भी। अनेकों गुरुकुलों महिला शिक्षाओं की व्यवस्था व स्थापना करवाई, अनेकों कुप्रथा कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया और कर भी दिया, ब्रह्मचर्य को पुनः स्थापित किया और ब्रह्मचर्य ग्रस्त ब्रह्मचर्य के नियम बताए। ऐसे ही एक क्रांतिकारी हुए चंद्रशेखर आजाद, जिनका संकल्प था मरते दम तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आना, और आए भी नहीं। दोस्तों ऐसे ही भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, राजीव दीक्षित जी, अनेकों ने संकल्प लिए हैं और पूरे भी हुए हैं। दोस्तों आप भी सच्चे मन और हृदय से संकल्प लो, ब्रह्मचर्य का जरूर पूरा होगा। फिर कोई ताकत नहीं जो आपको ब्रह्मचर्य नष्ट करवा दे। सच्चे संकल्प में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, यह आप इस वीडियो के माध्यम से जान चुके होंगे। तो बताओ दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछना।